बुकिंग करने का टाइम 24 घंटे है। हाँ तो देख सकते हैं दोस्तों, यही है होटल सरगम यार, और इस पे लेटेंगे तो एकदम सारी थकान दूर हो जाने वाली है। बड़ा चौड़ा वॉशरूम है ना, कि देख के एकदम दिल खुश हो गया। इतना बड़ा रूम और वो भी निशुल्क, इतनी बढ़िया, इतनी अच्छी व्यवस्था थी यहाँ का, आप तो बार बार आने की इच्छा होगी। सब चीज निःशुल्क, वो भी माई की रसोईया में फ्री भोजन, फ्री रहने की सुविधा सब। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और दोस्तों आज हम लोग हैं सतना जिले के मैहर रेलवे स्टेशन पे, और मैहर तो आप लोग जानते हैं किस लिए फेमस है। मैहर फेमस है माँ शारदा शक्तिपीठ के लिए, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है। तो दोस्तों जैसा कि टाइटल और थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे, आज हम ले चलेंगे मैहर से। मात्र 300 मीटर की दूरी पर है एक ऐसा निःशुल्क होटल, जिसके बारे में चल के वहाँ पे आपको जानकारी देते हैं। तो चलिए चलते हैं होटल पे। तो दोस्तों सामने स्टेशन है, और स्टेशन से मात्र 300 मीटर दूर आएंगे तो सामने आपको मिल जाएगा होटल सरगम, और ये पूरी तरह से निःशुल्क है, माई की रसोई की तरफ से चलता है होटल सरगम, देख सकते हैं। तो यहाँ सीढ़ियों से आप ऊपर जाएंगे और रिसेप्शन काउंटर पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो और सामने उस तरफ है माई की रसोई, तो यहाँ पे आप फ्री में प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। और उस तरफ है SBI चौराहा, तो पूरा लोकेशन आप समझ गए होंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, यही है होटल सरगम। यहाँ पे आइए, आपको यहाँ सीढ़ी चढ़ के जीने से ऊपर जाइए। तो चलिए चलते हैं ऊपर। ऊपर में देखिए बड़ी सी माई की फोटो लगी है, और यहाँ पे सुबह आपको प्रसाद वगैरह मिल जाता है, तो यहाँ से प्रसाद लेके आप जा सकते हैं दर्शन करने के लिए। और सामने माई का फोटो लगता है, और ये है रिसेप्शन काउंटर, यहाँ पे आपको सारी नॉलेज अभी जानकारी देते हैं। और यहाँ पे ये सब जितने भी फोटोज लगी हैं, यहाँ पे अगल बगल के यहाँ के स्थान हैं, यहाँ पे आप लोग जाके दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं रिसेप्शन पे, और रिसेप्शन पे यहाँ आते में मिल जाएगी, और ये आपको सारी यहाँ पे जानकारी देंगे, और यहाँ पे सारा चीज निःशुल्क है। और बगल में इनका प्रसाद वितरण केंद्र, मतलब भंडारा चलता है माई की रसोई करके, वहाँ पे आप जाइए और निःशुल्क भोजन करिए, सारी सुविधा निःशुल्क है। तो चलिए आपको आरती मैम से बात कराते हैं, वो सारी आपको जानकारी देंगे। यहाँ का बुकिंग करने का टाइम बता दीजिए। यहाँ का बुकिंग करने का टाइम 24 घंटे। हाँ, बालाजी के नंबर से शुरू होता है, आने के 3 से 4 दिन पहले व्हाट्सएप करेंगे, जितने लोग हैं आपका नाम, डेट एंड टाइम, बुक हो जाएगा। मतलब 4 दिन पहले प्रोसेस करेंगे, बुक हो जाएगा। हाँ, 4-5 दिन पहले भी आप कर सकते हैं। हाँ, उसके पहले भी कर सकते हैं, लेकिन 4-5 दिन पहले मिनिमम करना होगा। ठीक है दोस्तों, आप 4-5 दिन पहले बुक करिए और आइए, आपको रूम होगा तो उपलब्ध हो जाएगा, नहीं तो आप इनका हॉल है, हॉल में भी रुक सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे पूरी व्यवस्था निःशुल्क है। आप स्वेच्छा से जो भी ट्रस्ट को दान करना चाहते हैं दान करिए, और उसका रसीद आपको मिल जाएगा। ठीक है, जय माई की। तो दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं, और फर्स्ट फ्लोर पे हमको रूम मिला है, भाई देख सकते हैं, गैलरी से हम लोग आए ऊपर, और ये रूम नंबर 104। तो भाई चलते हैं रूम में, और भाई इतना बड़ा रूम देख के तो एकदम दिल खुश हो गया, देख सकते हैं क्या प्रॉपर रूम मिला है एकदम, और देख सकते हैं कितना बढ़िया रूम, वो भी निःशुल्क, और सामने AC भी लगा हुआ है, कर्टन है, बाकी सामने का नज़ारा देख सकते हैं। भाई बेड देख के तो एकदम दिल खुश हो गया, किंग साइज बेड है, पिलो है, ब्लैंकेट है, और यहाँ पे टेबल है, स्टूल है, और यहाँ पे प्रॉपर मोबाइल चार्जिंग करने की व्यवस्था है। तो भाई इधर सामने देख लीजिए, सामने एकदम मिरर मिल जाएगा, और अलमारी है, सामने चेयर है, और इस तरफ TV भी है। और यहाँ पे देखिए, हम कुछ ऐसा कर जाएंगे जिससे हम सब तर जाएंगे, सेवक धीरज महाराज जी, धीरज महाराज जी के द्वारा ही ये संचालित है ट्रस्ट। और यहाँ पे मतलब माँ शारदा सरगम से माँ शारदा मंदिर तक आने जाने के लिए यहाँ पे जहाँ भी आए जाएंगे उसका किराया लिखा गया है, तो एक बार बुक करने के लिए आप रिसेप्शन पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आप चलते हैं, और इधर देख लीजिए, टेबल कुर्सी मेज सारी सुविधा है, यहाँ पे लिक्विड मोर्टिन भी मिल जाएगा, मच्छर की भी कोई झंझट नहीं है। भाई AC वाला रूम इतना बढ़िया, पंखा भी चल रहा है, देख के दिल खुश हो गया। तो चलिए चलते हैं
वॉशरूम का आपको टूर दे देते हैं। और ये देखिए दोस्तों, दरवाजा खोलते ही सामने आपको मिरर मिल जाएगा क्लीन, बहुत बड़ा सा। और ये हाथ धोने के लिए सिंक, बाकी देख सकते हैं यहाँ पे एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है। और ये गीजर, यहाँ पे शावर, और भाई एकदम देख सकते हैं इतना बड़ा चौड़ा वॉशरूम है ना, कि देख के एकदम दिल खुश हो गया। एकदम इंग्लिश स्टाइल का है, लेकिन फिर भी काफ़ी साफ सुथरा और अच्छा है। और इतनी सफाई तो होटलों में भी नहीं रहती, इतना साफ सुथरा दिया गया है वॉशरूम। बाकी दोस्तों, रूम से बाहर निकलते ही आप लोग देख सकते हैं बाहर का व्यू, नज़ारा कितना शानदार है। और आज बारिश हुआ है, तो बारिश की वजह से थोड़ा सा रोड गीला है। बाकी इस तरफ देख सकते हैं, इधर स्टेशन है, मात्र 300 मीटर दूर है स्टेशन। और इधर ये चौराहा है, यहाँ चौराहा, बस एकदम चौराहे के पास में ही होटल सरगम है। और भाई ये देखिए अपना बेड, और बेड देख के ना एकदम दिल खुश हो गया भाई। चलिए इसकी कुशनिंग देखते हैं। और भाई भाई क्या कुशनिंग है, ज़बरदस्त कुशनिंग है, एकदम मज़ा आ गया सो के। बाकी दोस्तों, अगर आप मंदिर से थके हारे आप आएंगे दर्शन करके ना, और इस पर लेटेंगे तो एकदम सारी थकान दूर हो जाने वाली है, क्या ज़बरदस्त कुशनिंग है। तो अभी हमने आपको यहाँ के रूम के बारे में जानकारी दी और लोगों का फीडबैक भी देंगे, लेकिन उसके पहले आइए ले चलते हैं, आपको दिखा देते हैं यहाँ का डॉर्मेट्री हॉल। और ये देखिए दोस्तों, सामने है डॉर्मेट्री हॉल का गेट, यहाँ से ऊपर चढ़ के आप ऊपर आएंगे। ये देखिए दोस्तों, सामने आपको अंदर एंट्री लेते ही सामने मिल जाएगा, यहाँ पे दो बेड लगे हुए हैं, कंबर ब्लैंकेट वगैरह सब प्रॉपर रखा हुआ है। और इस तरफ 5 बेड इस तरफ है और 5 बेड दूसरी तरफ हैं। तो देख सकते हैं कितना प्रॉपर तरीके से कंबल ब्लैंकेट और साफ़ सफाई का भी काफ़ी ख्याल रखा गया है। और पंखे देख सकते हैं, पंखा भी एकदम चल रहा है बढ़िया, इस तरफ। और सामने देख लीजिए, सामने रखा है बड़ा सा कूलर। जब गर्मी में आप आएंगे ना और कूलर चलेगा तो पूरा हाल एकदम ठंडा हो जाता है। बाकी हमने इसमें एक बार स्टे कर चुका है और आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। और बाकी इस तरफ देख लीजिए, चेयर वगैरह भी पड़ा हुआ है। तो कुल मिला जुला के आप एक बार आइए और रुकिए, और फ्री में रुकना है दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट है, एकदम एक रुपया भी नहीं देना है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो ट्रस्ट में आप लोग दान कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे रहने का पूरा निःशुल्क है। तो चलिए अंदर दिखाते हैं आपको 106 रूम। तो ये रूम में हम आ चुके हैं, यहाँ पे आपको दिखाते हैं, यहाँ पे काफ़ी लोग रुके हुए हैं यहीं पे होटल में, ठीक है। कहाँ से आए वैसे आप लोग? जौनपुर जिला से। पूरा परिवार सब जौनपुर से? जौनपुर यूपी से। सब जौनपुर से है? कोई चार्ज वगैरह तो नहीं लिया गया? कोई चार्ज लिया गया है। हम अग्रहारी परिवार बबलू कलर, बबलू जी अग्रहारी परिवार जौनपुर से हैं। जी जी जी। जय माई की। कल आप वहाँ पे शाम को भोजन कर दे रहे थे? हाँ, हम ही थे, सेवा में लगे हैं माता जी के। हाँ, ये हम, ये हमारी कार्ड है। चलो ठीक है, ये देखिए, ये हमारी कार्ड है। हाँ, ये वाला है कार्ड जो मैं ही माँ को देता हूँ। अच्छा, यहाँ के लिए मैं द्वारा दिया जाता है। अच्छा अच्छा, आप ही के द्वारा? हाँ, ये कार्ड मिला हुआ है। हाँ, अच्छा, ये मेरे द्वारा ही है। अच्छा, अभी 20,000 कार्ड मैं कल दिया हूँ। अच्छा, आदेश अगर हमारे महाराज जी का होगा। अच्छा, जल्दी वो भी आ जाएगा। अच्छा, बाकी थोड़ा सा बताइए, मतलब कोई चार्ज वगैरह नहीं लगता? कोई चार्ज नहीं लगता है। खाना वगैरह कैसा था? होटल फेल है। अच्छा, होटल फेल है। यहाँ पे वो लेडीज बैठी हुई, इनसे भी बात करा देते हैं आपकी। तो माता जी, आप भी सब लोग जौनपुर से हैं? सभी लोग। भोजन कैसा लगा? बहुत अच्छा। दर्शन वगैरह कर लिए मंदिर में? जी। पहली बार आई हैं आप? मतलब आती है? तो पहली बार। आप पहली बार आई? चलिए, ये सब फैमिली वगैरह है, आप भी पहली बार आई हैं? हाँ सर, पहली बार तो आए हैं, लेकिन इतनी बढ़िया, इतनी अच्छी व्यवस्था थी यहाँ का, आप तो बार बार आने की इच्छा होगी। सब चीज निःशुल्क, वो भी माई की रसोईया में फ्री भोजन, फ्री रहने की सुविधा, सब कुछ फ्री सर्विस है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, अभी हमने आपको जिस होटल में रुके थे मैहर में, उस होटल के बारे में जानकारी दी। ये होटल बिल्कुल पूरी तरह निःशुल्क है, माई की रसोई की तरफ से संचालित है। तो दोस्तों, आप जब भी यहाँ पे आए मैहर धाम में, तो आप यहाँ पे आके जरूर रुक सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहें। तो जल्द ही मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।